राजधानी शिमला में कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सामान खरीद सकते हैं। ऐसे में लोअर बाजार में लोगों की भारी आवाजाही को देखते हुए इसे वन वे किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोअर बाजार को वन वे तो कर दिया गया, पर इससे लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ रही है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते कुछ समय के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदने की छूट दी गई हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। राजधानी शिमला में लोअर बाजार को प्रशासन द्वारा वन वे कर दिया गया है ताकि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लेकिन लोअर बाजार को वन वे करने से यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोअर बाजार में शेरे पंजाब से एंट्री दी गई है और दूसरे कोने सीटीओ के पास से आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में लोगों को घूमकर बाजार आना होगा। कर्फ्यू की वजह से कुछ समय की छूट होने से लोगों के पास समय भी सीमित ही होता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि कम समय होने से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आधा समय बाजार में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में ही निकल जाता है। लोगों को ये जो सिंगल वे कर दिया है वो उससे लोगों को परेशानी है, टाइम कम है लोगों के पास और दो दो तीन तीन जगह से घूम के आना पड़ता है लोगों को, और पहले स्टेशनरी वाले के पास, फिर सब्जी मंडी, फिर गंज में लोगों को जो पहले था वो लोगों को जागरूक करें कि लोग कम आए, पर टाइम लिमिट के कारण जो है अपना लोग सामान नहीं खरीद पा रहे। मेरी एडी साहब से, एडीसी से और अपने डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त है कि वो जो है जो पहले ये चला हुआ था उसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि शिमला के लोग बड़े जागरूक हैं और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी। पहले यहाँ से जाएंगे हम अपनी इधर स्टेशनरी मार्केट में, फिर माल रोड से घूम के वापस आएंगे, घर पहुँचते पहुँचते तब तो 1 बज जाएगा। तो प्रशासन से किस तरह की मांग है कि वन वे हटा दें और वैसे ही कंट्रोल कीजिए। वहीं लोअर बाजार के दुकानदारों ने भी इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को वन वे ना कर स्थिति को वैसे ही नियंत्रित करना चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। कस्टमर जो यहाँ पर टनल लक्कड़ बाजार की तरफ से आता है और उसने मार्केट में आगे भी सामान लेने जाना है सब्जी मंडी की तरफ का, तो वो फिर माल रोड से सीटीओ से घूम के ऊपर से जाना पड़ता है। तो किसी ने अनाज मंडी में यहाँ से जाना है, यहाँ से हमसे सामान लेके, तो उसको फिर कहाँ से जाना पड़ेगा? तारघर से आगे से घूम के आना पड़ेगा ऊपर माल रोड से, फिर बालजीस की सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। जिला प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं आप? ये वन वे यहाँ से हटा दें, वैसे यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लें, तो लोग आ जा रहे हैं उनकी लाइनें चला दें, एक तरफ दूसरी तरफ बाजार में आने जाने वाली लाइनें दो बना लें, पर वन वे से तो कोई वो मसला दिक्कत ही हो रही है आम जनता को। तो ट्रैक किया इन्होंने, इससे हमारे लोग कस्टमर को बड़ी परेशानी हो रही है और घूम घूम के आना पड़ रहा है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? ये इसको जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, जैसे पीछे खुल रहा था बाजार उसी तरह से आने जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।